जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा बोल रही हूँ। 1993 में जब 18 साल की हुई थी तो श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री रहे। 21वीं सदी के युवा की बात करते थे और उस समय मैं 18 की हुई थी 1993 में, और कुछ साल पहले ही, एक साल पहले ही राजीव जी हमारे बीच में से चले गए थे। लेकिन 18 साल का वोटिंग अधिकार देख कर गए थे, इसलिए तुरंत दौड़ कर गई चुनाव कार्यालय में, खुद को 18 साल की उम्र में पहली बार वोटर रजिस्टर कराया और अपना पहला वोट कास्ट किया। उसके बाद आगे बढ़े तो पता लगा श्री राजीव गांधी जी ने 21 साल की उम्र में युवाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया है और बहुत युवा पंच, सरपंच से लेकर मेयर तक का, नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और अपने क्षेत्र का विकास ले जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो राजनीति में पता लगा कि नगर निगमों में, पंचायतों में 33-50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम भी जो कानून है वो श्री राजीव गांधी जी लेकर आए। कंप्यूटर की क्रांति हो, ये सब काम उन्होंने कराए। बस ये चीजों ने मुझे कांग्रेस के साथ जोड़ दिया और 2 दशक तक, 20 सालों तक मैंने कांग्रेस के साथ जुड़ी रही। लेकिन उसके बाद एक ऐसा भाषण था अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान में श्री अरविंद केजरीवाल जी का, सुनाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैंने क्यों फैसला लिया 2 दशकों के बाद कांग्रेस छोड़ने का। भाजपा में भी जा सकती थी लेकिन नहीं गई, क्योंकि मैंने 6 साल के लिए पार्टी जरूर छोड़ी कांग्रेस, लेकिन कभी भी कांग्रेस की विचारधारा, जो गांधी की विचारधारा है, जो बापू की विचारधारा है, जो इस देश को एक रखने की, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सबको एक रखते हुए देश को प्रगति उन्नति के रास्ते पर एक होकर ले जाने की सोच थी, उससे कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया। 6 साल के लिए कांग्रेस से जरूर अलग हुई और एक भाषण सुनने के बाद अलग हुई थी और उन ताकतों को ताकत देने गई थी जिन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, और 19 में जिन पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे उन्हीं के साथ 2019 के चुनाव में 2 जोड़ियों को से खतरा दिखाते हुए समझौते के लिए घुटने टेक रहे थे। सुनिएगा उसके बाद आगे की बात आपके सामने मैं जरूर रखूंगी कि क्यों मैंने फैसला किया आम आदमी पार्टी छोड़ने का। और देश में जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेसी होंगे, अभी तक कांग्रेस के अंदर थे। अगर आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो बहुत अच्छी बात है, आप कांग्रेस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर घुटन होने लगी है, चलता है, कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती, तो कांग्रेस को छोड़कर इन देशभक्तों की टोली में शामिल हो जाइए। सुना आपने, यही वो एक भाषण था जिसे मैं खोज कर लाई, जिसने ये विश्वास दिलाया कि वो एक विकल्प बनकर आएंगे। और इनके पीछे ताली बजाने वालों में योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण जी, सिर्फ मैं पहली वो शख्स नहीं हूं जिसने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये शख्स तो किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, कुमार विश्वास जी, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, मयंक यादव, मयंक गांधी, बहुत से ऐसे लोग, कितने नाम आपको मैं गिनवाऊंगी, वो लोग क्यों छोड़कर आपको चले गए? क्या हुआ 5 सालों में जो एक एक करके जो फाउंडर मेंबर थे वो आपको छोड़कर चले गए और मुझसे बहुत पहले चले गए? मुझसे पूछा गया कि आपने पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर मैं विधायक ना होती तो शायद मैं भी बहुत पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ चुकी होती। मजबूरी ये थी, जनता से वायदा किया था, 5 साल के नारे के साथ आए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब 13 में चुनाव जीतकर आए थे और उस समय चुनाव के बीच में इस्तीफा देके चले गए तो लोगों ने भगोड़ा कहा, लोगों ने गद्दार कहा, धोखेबाज कहा, बीच में छोड़ के चले गए और हम नारे के साथ आए, 5 साल के नारे के साथ कि कुछ भी हो जाएगा लड़ेंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, जनता के काम नहीं रुकने देंगे। आज शेयर किए हैं क्यों इस्तीफा नहीं दिया था, 70 विधायक हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे इस साल का 2019-20 का हर विधायक को 10 करोड़ रुपया सरकारों से क्षेत्र के विकास के लिए मिला। मुझे नहीं मालूम बाकी के विधायकों ने क्या किया, खर्च किया या नहीं किया, विकास पर वापस चला गया, खर्च किया तो कोई जवाब दी, कोई पारदर्शिता के साथ दिखा रहे हैं। मैं एक एक रुपए का हिसाब जनता के सामने रख रही हूं कि कितना पैसा मैंने किस विभाग को किस काम के लिए दिया है, क्योंकि मैं कल को विधायक रहूं ना रहूं
ये जनता का पैसा है और जनता को अपने एक एक पैसे का पता होना चाहिए कि नेता रहे या ना रहे, लेकिन मेरा पैसा कब किस विकास कार्य के लिए आया था, उस पर खर्च हुआ या मात्र कागजों पर रह गया। इस साल का जो लगभग 9 करोड़ रुपया 10 करोड़ मिलता है, 1 करोड़ डीडीए से अभी वापस आया क्योंकि डीडीए ने एनओसी नहीं दिया इसलिए फंड वापस गया, लेकिन 9 करोड़ रुपया अपना समय पूरा होने से पहले इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था, ये जनता का पैसा था, जनता के विकास पे लगना था, वापस नहीं जाना था, इसलिए उसे खर्च किया है। आज बहुत घमंड के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप ट्विटर पे भी इस्तीफा दे दीजिए, हम ट्विटर पे भी अब स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर में दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव आया था कि श्री राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपने विचार रखने की आज़ादी है, वो आज़ादी मुझे भी थी कि मैंने उसका विरोध किया कि बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ कि श्री राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जो इस देश के रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, इस देश को बहुत कुछ दिया है, उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए, उसका मैंने विरोध किया। और उसका खामियाजा ये हुआ कि दिसंबर से लेकर सितंबर आ गया है, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे मिलने का समय नहीं दिया, पार्टी की सारी मीटिंग सरकारी मीटिंगों से बाहर कर दिया। मौका देते तो जरूर आंख में आंख डालकर अरविंद जी आपसे बात करती और अपना इस्तीफा आपके हाथ में सौंप कर आती, क्योंकि जनता से किए हुए वायदे मेरे पूरे हो चुके हैं, एक भी विकास का पैसा वापस नहीं जाने दे रही, पूरी पारदर्शिता के साथ जवाबदेही के साथ चांदनी चौक की विधायक के तौर पर अपनी बात को कर रही है। लेकिन आपने बहुत बड़ा धोखा किया है, सबूत है हर चीज के, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा जरूर रखूंगी, क्योंकि आपको एक विकल्प के तौर पर चुना गया था लेकिन आपने समझौते करने शुरू कर दिए एक के बाद एक। आज वापिस कांग्रेस में लौटी हूं, अभी भी लोगों ने कहा भाजपा में जा सकती हूं, मुझे गर्व होता है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से श्याम जाजू जी जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली प्रभारी हैं, उनकी उपस्थिति में मुझे प्रथम अटल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल वह सम्मान लेने गई क्योंकि अटल जी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न है, गर्व महसूस किया जब मैं वो सम्मान ले रही थी। लेकिन उसी मंच से भाजपा और श्याम जाजू जी बीजेपी को कहा, धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे भाजपा में बुला रहे हैं, बहुत लोग मुझे बुला रहे थे, लेकिन पार्टी बदली है, से आम आदमी में आई थी लेकिन विचारधारा कभी भी नहीं बदली, और ना वो विचारधारा जो गांधी और बापू की विचारधारा है कभी नहीं बदल सकती है। इसीलिए कहा, और ये भी कहा, सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं रही, जब मैं कांग्रेस में थी 10 साल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सुषमा स्वराज जी को विपक्ष में बोलते हुए देखते थे, तो तब श्रीमती सोनिया गांधी जी कहती थी वो नेता विपक्ष है फिर भी सुनो, सुनिएगा जरूर उनको, उनको सुना करो, और मैं सुषमा स्वराज जी को सुना करती थी और लगता था कि आज भी सुषमा जी नहीं रही पर विपक्ष की आवाज को पूरा खामोश कर दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है, रुपया कहाँ जा रहा है बताने की जरूरत नहीं है, देश में बेरोजगारी का क्या आलम है बताने की जरूरत नहीं, पर जो भी इस मुद्दे पर बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो तैयार तो आपको रहना होगा पुलिस की लाठी खाने के लिए, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए, जेल जाने के लिए, और इस तानाशाह सत्ता को जो हर विपक्ष की आवाज को कुचल देना चाहती है, यही मैंने उस मन से कहा था जहां से अटल स्मृति पुरस्कार मुझे दिया गया कि अगर विपक्ष की एक अकेली आवाज भी अगर बचेगी इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए तो वो अलका लांबा की आवाज होगी। समझौते नहीं करूंगी, झुकूंगी नहीं, राजनीति छोड़ना मंजूर है पर भाजपा की विचारधारा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए घर वापसी की है, घर वापसी की है। और मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी और खास तौर से श्री राहुल गांधी जी का, बुलाया अपने घर में 2 घंटे चर्चा हुई, देश की अर्थव्यवस्था पे बात हुई, महिला सुरक्षा पे बात हुई, देश के हालात पे बात हुई, चिंता जाहिर की, और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर मैं घर वापसी करती हूँ। 3 सितंबर को श्रीमती सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई, 6 सितंबर को दोबारा मुलाकात हुई, पार्टी ने फैसला लिया जिसका मुझे इंतजार था कि कांग्रेस अगर बुलाएगी तो मुझे खुशी होगी मैं घर वापसी करूंगी, क्योंकि एक छलावा एक धोखा था आम आदमी पार्टी का, इस तरह के नारे जो अरविंद जी का भाषण आपको सुनाया है कि कोई समझौता नहीं, किसी से समझौता नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं छोड़ा जिसके साथ गठबंधन करने के लिए पूरे देश में ये जाकर समझौते नहीं करने लग गए।
हरियाणा की एक पार्टी जेल में है, उनका मुखिया उनके साथ गठबंधन किया, ये आए थे परिवर्तन की लड़ाई को लेकर। विधानसभा का अंतिम सत्र मैं जिंदगी में नहीं भूल सकूंगी, जो आवाज़ 55 महीने इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, जो जनता की आवाज़ लोकतंत्र में गूंजती थी, तो मुझे मौका दिया जाता था कि विधानसभा में कोई विधानसभा का सत्र 100 बैठक हुई होंगी तो 99 बैठक में अलका लांबा चांदी चौक की विधायक उपस्थित ही नहीं रही, 99 बैठक में जनता की आवाज बनकर मैं गूंजी हूँ। मात्र एक दिन नहीं गई जब APG अब्दुल कलाम, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ था, मात्र उस एक दिन विधानसभा में नहीं गई, वरना 99 दिन गई जनता की आवाज बनकर घूमी। 55 महीने अरविंद केजरीवाल जी, आपको ये आवाज बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अंतिम सत्र में अपनी ही महिला विधायक को महिलाओं के मुद्दे पर ही जब आवाज उठा रही थी तो मार्शल बुलाकर आपने सदन से बाहर करवा दिया गया। कभी नहीं भूल सकती वो दिन, मैं बहुत दुख हुआ कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा कि एक महिला सुरक्षा के नाम पर बात करने वाले अपनी ही महिला विधायक को उठाकर बाहर कर देते हैं। क्या पूछा था मैंने, यही तो जवाब मांगा था कि आप नशे के खिलाफ, दारू के खिलाफ, ठेकों के खिलाफ आए थे। कितने दारू के ठेके पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने बंद किए हैं, लिखित में आप ही का जवाब आया। मेरा क्या कसूर था, लिखित में जवाब आया सरकार का कि बंद तो एक भी शराब का ठेका पिछले 5 साल में नहीं हुआ, बल्कि 133 दारू के शराब के ठेके दिल्ली भर में खुलवा दिए गए हैं। वायदा था युवाओं के हाथ से शराब के दारू लेकर रोजगार थमाएंगे, लेकिन आपने रोजगार के तो कोई प्रबंध नहीं किया, दारू के ठेके खुलवा दिए। अगर इसकी आवाज उठाई आपने मुझे बाहर कर दिया। आपने लाखों रुपए के विज्ञापन दिए अखबारों में कि दिल्ली में 2,80,000 CCTV कैमरे लग गए हैं। मैं चांदनी चौक की विधायक हूँ, सबूत दे रही हूँ कि मेरी विधानसभा में मात्र एक कैमरा लगा, उसके बाद सारे कैमरे आपने रुकवा दिए, लगेंगे नहीं लगेंगे मालूम नहीं, लेकिन जनता की लड़ाई है। विधायक रहूं ना रहूं आपके दरवाजे पर आऊंगी, अपना लोगों का हक भीख नहीं मांगूंगी, छीन कर लेकर जाऊंगी आपसे। महिला के सुरक्षा के नाम पर अडंबर कर रहे हैं लेकिन कैमरे नहीं लगा रहे आप, कौन देखने आएगा गलियों में, लगे नहीं लगे, विज्ञापनों में देखकर आपको वोट नहीं मिलेगा, यह मैं सुनिश्चित करूंगी। आपने कहा दवाएं मुफ्त हैं, अध्यक्ष जी के कहने पर मैंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों को के डॉक्टरों की पर्ची लिखकर प्राइवेट निजी दवाइयां बाहर से लाकर, इवन के ऑपरेशन और दवाएं इलाज की सामग्री बाहर लाकर पैसे देते हुए के प्रूफ सबूत बिल आपके सदन के पटल पर रखे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला, मार्शल बुलाकर बाहर कर दिया। जनता की आवाज़ें तो उठा रही थी, अपने लिए थोड़ी ना लड़ रही थी, 55 महीने वह आवाज़ अच्छी थी, क्या हो गया अब आपको? 9 महीने से समय नहीं मिलने का दे रहे, आग से आग मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, सदन में जनता की आवाज़ बनकर गूंजी, आपने मुझे बाहर कर दिया। अब आपका नोटिस आया है, पहली बार होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि एक पार्टी इतनी घमंडी, इतनी अहंकार में आ जाती है कि कहती है कि अलका लांबा अगर ट्विटर पे भी इस्तीफा देंगी तो स्वीकार कर लिया जाएगा। अरविंद जी, आप ही के कहने पर आपकी इच्छा अनुसार ट्विटर पे ही घोषणा कर दी कि पार्टी की प्राथमिकता से मैं इस्तीफा देती हूँ और आप स्वीकार भी कर लीजिए। देरी नहीं लगाई, स्पीकर सर को भेज दिया कि अलका लांबा ने ट्विटर पे, लिखित में नहीं ट्विटर पे ही इस्तीफा दे दिया, इसलिए अलका लांबा की विधायकी रद्द कर दी जाए। कर दीजिए, अब फर्क नहीं पड़ेगा। विधायक निधि का 10 करोड़ था, जनता के विकास का पैसा था, जनता का एक एक रुपया आपके खजाने से निकालकर जनता के विकास पर लगाकर पारदर्शिता के साथ एक एक रुपए का जवाब दे रही हूँ लोगों को। हिम्मत हो इन कामों को रुकवा कर दिखवाइएगा। अब आप विधायक रहूं ना रहूं मालूम नहीं, मेरी जनता तय कर लेगी, लेकिन ये काम किसी कीमत पर रुकने नहीं दूंगी, ये मैं आपको बताकर जा रही हूँ। मेरे यहाँ बुजुर्ग विकलांग विधवाओं की पेंशन आपने रोक ली है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, आपके दरवाजे पर आऊंगी और अपने एक एक वृद्ध के लिए, एक एक विधवा और एक एक विकलांग की जिनकी पेंशनें आपने रुकवा दी हैं पिछले 6-8 महीनों से, कि वो अलका लांबा के दफ्तर के चक्कर लगातार काटेंगे, अलका लांबा को बुरा भला कहेंगे, गाली देंगे और अलका लांबा अगर चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी, ये आपकी भूल है। मेरी जनता मुझे बखूबी जानती है कि मैंने 55 महीने उनके लिए कितना लड़ाई लड़ा है। 2 अक्टूबर को आ रही हूँ आपके दरवाजे पर, CCTV कैमरा तो आपको लगाने होंगे क्योंकि वायदा किया है आपने, पेंशनें छीन कर लेकर जाऊंगी अपने लोगों की। 5 महीने का संघर्ष है, 5 साल के लिए लौटूंगी, पक्ष नहीं तो विपक्ष में आवाज गूंजेगी, लेकिन जनता की आवाज सदन से सड़क तक उठाऊंगी।
2003 में कांग्रेस ने टिकट दिया था मुझे, या आपकी भूल है कि आपने पहली बार मुझे, मैं विधायक लड़ी 2003 में मदनलाल खुराना जी के सामने, मेरी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझ पर यकीन किया, तब तो मेरी उम्र भी 27-28 साल थी, लड़ी खुराना जी के सामने, बहुत सीखने को मिला। उसके बाद उपचुनाव हुआ, पार्टी ने टिकट मोतीनगर से मुझे नहीं दिया, फिर पार्टी ने ही छोड़ी। 3 के बाद 2008 में विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, पार्टी ने ही छोड़ी। 2013 में चुनाव हुआ, पार्टी ने टिकट नहीं दी, पार्टी भी नहीं छोड़ी। सिर्फ आपका पहला भाषण जो मुझे ही नहीं पूरी दिल्ली को गुमराह कर गया कि आप समझौते नहीं करेंगे, लेकिन आज दिख रहा है कि कैसे पानी की तरह आप टैक्स पेयर का पैसा बहा रहे हैं अपने करोड़ों रुपए के विज्ञापनों में। काम किया है तो दिखता है। चुनौती दूंगी क्योंकि धोखा और छल हुआ है दिल्ली की जनता के साथ। दारू के ठेके 133 आपने जो खुलवाए हैं वो बंद करवा कर रहूंगी। और जनता को फिर मैं कह रही हूँ, मत आइए किसी एक के फरेब में, आंखें खोलिए, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो कोई भी है। जनता से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार नहीं छापेगा, टीवी नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया, आज 10 लाख लोग मेरी फेसबुक पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो मुझे क्यों फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो मेरी ऑडियंस है, और मेरी ऑडियंस में अगर 1000 लोग भी अभी सुन रहे हैं तो मुझे उस आवाज़ को रखना है। 25 साल का हिंदुस्तान की राजनीति में मेरा संघर्ष रहा है, नशा माफियाओं से लड़ी, अपने ऊपर हमले झेले, भू माफियाओं से लड़ी, सरकारी जमीनों के कब्जे छुड़ाकर कहीं मोहल्ला क्लिनिक और कहीं ट्रांसफार्मर लोगों की बिजलियां जाती थी रखवाए, पार्किंग माफियाओं से लड़के सरकारी जमीनें खाली करवाई। ये 5 साल का नहीं, 25 सालों का संघर्ष है, और मेरी जनता, मेरे काम मेरे साथ खड़े हैं। लौटूंगी चांदनी चौक से, फांसी ने अगर मौका दिया तो नई दिल्ली, शीला दीक्षित जी का बदला, जो शीला दीक्षित जी को छल कपट झूठे आरोप लगाकर आपने नई दिल्ली से हराया चांदनी चौक के साथ, अगर पार्टी ने चाहा तो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी आपको चुनौती देने पहुंचोगे, और शीला दीक्षित जी की हार का बदला इन्हीं चुनावों में आपसे लोगे। जो स्कूल आप दिखा रहे हैं पेंट किए हुए, करोड़ों रुपया खर्च करके डेस्क पेंट चमकीली लगाकर, लेकिन ये नहीं बताते उन स्कूलों में अध्यापक हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनके लिए आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं? जिन अस्पतालों की आप दुहाई दे रहे हैं, हकीकत क्या कि उन अस्पतालों में ना मुफ्त इलाज है, ना मुफ्त दवाएं हैं, ना मुफ्त जांच है, ना डॉक्टर्स हैं। अगर डॉक्टर्स नहीं हैं, भाजपा की केंद्र की सरकार एलजी को नियुक्त करने, तो आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अब सबको मालूम है कि पहले आप कांग्रेस से समझौता 19 में करना चाह रहे थे 2 जोड़ी को हटाने के लिए, और अब आप उस जोड़ी के सामने ही नमस्तक हो चुके हैं। सब जानते हैं कि आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ढोंग कर रहे हैं ये कहने का कि हम मोदी जी के साथ भी मिलकर, केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। अब आप वो विरोध नहीं कर रहे, आप धरना प्रदर्शन रैली नहीं कर रहे कि क्यों स्कूल में टीचर भर्ती नहीं है, क्यों आपके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, क्यों आपके गुड गवर्नेंस प्रशासन की बात करते हैं और आपके सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, लोग धक्के खा रहे हैं। गुलाबी बाग का पेंशन दफ्तर में 45 कर्मचारी होने चाहिए थे, मात्र 7 हैं। क्यों एलजी के घर के बाहर आज आप नहीं बैठ रहे? क्यों मोदी और भाजपा सरकार के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहे? क्योंकि अगली सरकार आपको लगता है थोड़े से चूक गई तो भाजपा में या तो आप विलय कर लेंगे आम आदमी पार्टी का, और या फिर आप भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। दिल्ली को इस धोखे में नहीं रहने दूंगी, ये तो हकीकत मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एक एक करके समझौते करने शुरू किए। विधायक न होती बहुत पहले इस्तीफा दे चुकी होती, बहुत पहले, लेकिन लोगों ने मुझे बांध कर रखा। लोगों ने कहा हमने अपना एक वोट देकर तुम्हें चुना है, 5 साल के नारे के साथ आई हो, पार्टी से इस्तीफा देको, विधायकी से मत दीजिएगा। स्पीकर को आपने लिखा 18 सितंबर को स्पीकर सर ने सफाई देने के लिए बुलाया है, ट्विटर पे इस्तीफा मांगा था, ट्विटर पे इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि दिल्ली विधानसभा के संविधान के अनुसार क्या ट्विटर खेलकर सदन भी बुला लीजिएगा, प्रस्ताव भी पारित कर लीजिएगा, कानून भी बना लीजिएगा, सब काम कर लीजिएगा, पर मिलने का समय लोकतंत्र में मत दीजिएगा, क्योंकि कहीं हल्का लांबा आंख में आंख डालकर आपसे प्रश्न करने लग गई अरविंद केजरीवाल जी तो आपके लिए जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से आपने एक एक करके समझौते करना शुरू किया है। कोई नया फ्लाईओवर, कोई नई चीज आप बताइए।
शीला जी के 15 सालों के रिबन आपस आपने काटे हैं, उसके अलावा आपने कुछ कुछ नया नहीं किया। ये जो अस्पताल दिल्ली के जो स्कूल आप बता रहे हैं, ये सब शीला दीक्षित जी की देन है। पिछले 15 सालों में जो स्कूल के आप रंग दिखा रहे हैं, बेंच दिखा रहे हैं, लेकिन टीचर नहीं है, ये आप नहीं दिखा रही। जब मैं बात उठा रही थी आपने मुझे सदन से बाहर कर दिया। धोखे छल फरेब में नहीं रहने दूंगी। जाति की धर्म की राजनीति आपने करनी शुरू कर दी। सबको मालूम है कि क्यों आप 15 में ऐतिहासिक बहुमत लेकर आते हैं अरविंद जी, 17 में नगर निगम में आप हारते हैं, गोवा पंजाब हारते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ आप हारते हैं, लेकिन आपकी प्रधानमंत्री बनके तुरंत तुरंत पूरे देश में जाने का लालच खत्म नहीं, और उसमें दिल्ली खत्म होगी, दिल्ली आपके हाथ से चली गई, और 19 में तो जमानत जब्त हो गई। अरविंद जी आप अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। आज सभी से कहूंगी आम आदमी पार्टी के उन क्रांतिकारियों से जो अन्ना आंदोलन से इस पार्टी में आए थे, अगर आज भी हैं, चुनौती है सबको अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। 15 के शपथ में रामलीला मैदान खुद ब खुद भरा था, लोग लाए नहीं थे। आज 5 साल पूरे हो गए, खूब काम किया है, दावे करते हैं समझौता नहीं किया, कुछ कुछ हमने नहीं ऐसा गलत किया है, तो एक बार अरविंद जी को कहिए, हिम्मत हो दम हो तो चुनावों से पहले एक हुंकार भरे रामलीला मैदान भर कर दिखा दे। मैं मान जाऊंगी कि दिल्ली की जनता आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, घुटने टेक दिए हैं आपने केंद्र की तानाशाह भाजपा की सरकार के सामने, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कहाँ है वो जन लोकपाल जिसको आप हाथों में लेकर आए थे? 5 साल में सदन में चर्चा नहीं की आपने, दोबारा लड़ नहीं रहे आज केंद्र की सरकार से। दोबारा आई है वही केंद्र की सरकार जिस दो जोड़ी को आप हटाने की बात कर रहे थे, कि वो जन लोकपाल जिससे लेकर रामलीला मैदान से आप सत्ता में आए, आज वो जन लोकपाल भूल गए आप, आज वो भ्रष्टाचार कानून भूल गए आप, आज सड़कों पर आंदोलन भूल गए आप, आज आप समझौते करना सीख गए हैं। फिर कह रही हूं, पहली शख्स नहीं हूं जो पार्टी से जा रही हूं, बहुत भारी मन से जा रही हूं, और मैं ही नहीं गई, मुझसे पहले आधी दिल्ली चली गई इनसे दूर। अगर नहीं गई होती तो नगर निगम नहीं हारते, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव चल रहे हैं। 15 में सत्ता में आते ही CYSS से चुनाव लड़ा था अरविंद केजरीवाल जी, आपके चेहरे पर जमानत जब्त हो गई क्योंकि कुछ किया ही नहीं था। 15 में आते ही चुनाव लड़कर लोगों ने कहा पहले कुछ करिए फिर आगे की लड़ाई लड़िएगा, और रहने से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया। 2 साल आप चुनाव नहीं लड़े, 15 के बाद 16 और 17 में, 18 में गोपाल राय जी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़े, फिर आपकी जमानत जब्त हो गई छात्र संगठन के चुनाव में। इस बार फिर आप लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। 2019 में CYSS आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन हिम्मत नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत से विधायकों ने बताया, चर्चा हुई थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ें या ना लड़ें, सभी विधायकों ने कहा 5 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, बुरी तरह हारेंगे आप दिल्ली विश्वविद्यालय का, कोई युवा छात्र आपको वोट नहीं दे रहा है, आपके छलावे में नहीं आ रहा है, अगर हार गए तो 2-5 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उस पर असर आएगा, इसलिए आपने कदम पीछे हटा लिया हार के डर से। जो हार के डर से चुनाव नहीं लड़ते वो जंग जीता नहीं करते कभी भी। धोखा छलावा एक बार होता है, हर बार नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी लड़ेंगे, इतिहास स्वर्णिम कांग्रेस का इतिहास, त्याग और बलिदान के इतिहास को हाथ में लेकर लड़ेंगे, ना झुकेंगे ना डरेंगे। शहीद होना मंजूर है चुनावों में, जंग में लोग जाते हैं लड़ते हैं, लेकिन पीठ दिखाकर दौड़ने के लिए नहीं। आपकी तरह या तो जंग जीतते हैं या जंग में शहीद हो जाते हैं। अब या तो हम जंग जीतेंगे या जंग में शहीद हो जाएंगे। ये दिल्ली की जनता 2020 के चुनाव जो मात्र 5 महीने दूर हैं तय कर लेगी, और अलका लांबा को इन मात्र 5 महीनों में आप विधायक से हटा दीजिएगा। 18 सितंबर को स्पीकर सर ने बुलाया है, मैं स्पीकर सर को कहना चाहती हूँ इंतजार मत करिए अलका लांबा का, अलका लांबा अरविंद केजरीवाल और आपके चक्कर नहीं काटेगी। अलका लांबा अपनी जनता के बीच में जाने का फैसला कर चुकी है। अलका लांबा चांदनी चौक की विधायक है, अपने कामों के दम पर, अपनी जनता के दम पर, अपनी जनता के बीच में जाकर
दिल्ली की सच्चाई को रखने वाली है और रखेगी। और मुझे पूरा यकीन है मेरे 25 साल का जो दिल्ली के अंदर संघर्ष है, 2 दशक कांग्रेस में, फिर कहा पार्टी छोड़ी थी, विचारधारा नहीं छोड़ी, आज घर वापसी की है। और धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से पूरे के पूरे पार्टी के समर्पित, कांग्रेस के पार्टी के देशभर के समर्पित कार्यकर्ताओं का, जिनके साथ NSUI में, महिला कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में, कांग्रेस की सचिव, राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिनके साथ काम किया, वो सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को यकीन दिलाती हूँ कुछ भी कर ले, ये आज सत्ता का तानाशाह, सत्ता का घमंड, अहंकार है। आप अगर अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, बेरोजगारी के बात करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, या आपको देशद्रोही कहेंगे, चिंता मत करिए, हमारी रगों में इस देश का ही खून दौड़ता है, इसका इम्तिहान देने की किसी को जरूरत नहीं है। बस तैयार रहना होगा हम सब कांग्रेसियों को लाठी खाने के लिए, सरकारी पुलिस जितना मर्जी दमन करना चाहे, जेल जाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अपने ऐशो आराम छोड़कर AC कमरों से बाहर निकलने का समय है, और इस तानाशाह सरकारों को चुनौती देने का समय है। मैं आपको फिर लिखकर देकर जा रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा मत करिएगा। ये मैं बात पहले भी कह सकती थी, लेकिन विधायक थी, हाथ बंधे हुए थे, आज नहीं बंधे हुए। ये शख्स कभी भी समझौता कर सकता है, बिहार में लालू की पार्टी हो, यूपी में जिस किसका नाम लो, मैं हरियाणा में किसका नाम लो, जिसको भ्रष्टाचारी बताया, सबसे समझौते करने की मात्र सत्ता के लिए। आज हरियाणा नहीं जा रहे, पूछिएगा क्यों नहीं हरियाणा, आप तो हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे थे, आज क्यों नहीं हरियाणा में जा रहे, क्या डर है आप तो हरियाणा से अरविंद केजरीवाल जी, है ना, बहुत आपने बताया मैं बनिया हूँ, अपनी जाति बताई, है ना, जबकि आप तो जाति बताते ही नहीं थे, आप तो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते थे, आपने तो हमारे मस्जिदों में मौलानाओं को कहा आपकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, आप कांग्रेस को वोट मत दो, मुझे तो क्या क्या आपने नहीं किया एकमात्र कुर्सी के लिए। मैं उन सभी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी जो अन्ना आंदोलन की उपज हैं, तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ कि आप लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लगातार मुझे ताकत दे रहे हैं, लगातार इस बात को खुद महसूस कर रहे हैं कि जो अन्ना आंदोलन का, रामलीला मैदान का क्रांतिकारी लाठियां खाकर जिसने ये सत्ता बनाई, कुर्सी सौंपी, आपको भी अच्छा नहीं लगा था जब वो बिहार जाकर लालू जी के गले मिल रहे थे, जब वो कर्नाटका की सत्ता में एक दल के साथ मिल रहे थे, जब वो हरियाणा के एक नेता जो जेल में उनके साथ गठबंधन कर रहे थे, आज उसी भाजपा के सामने बोल नहीं रहे, आज LG से लड़ नहीं रहे कि क्यों अस्पतालों में डॉक्टर की भर्ती नहीं है, क्यों स्कूलों में टीचरों की भर्ती नहीं है, सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए आप वापस आना चाहते हैं। मुफ्त का झुंझुना एक बार सही है, लोग पक्का मकान पक्की नौकरी चाहते हैं आपसे, लेकिन आप भी कहते थे कि दूसरे लोग मुफ्त और गिफ्ट और क्या क्या लालच देकर वोट लेते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देकर जा रही हूं, सुनिएगा आप, ये कहानी बहुत बार आपने सुनी होगी कि एक गरीब आदमी लाल बत्ती पे खड़ा था, खाने को रोटी नहीं थी, उसके बीवी बच्चे भूख से मर रहे थे, हाथ फैलाया उसने लाल बत्ती पे, गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और उसके हाथ में पैसा रख दिया। दूसरे दिन फिर लाल बत्ती पर वो गाड़ी रखी, उस शख्स को उसने मदद दी, फिर मदद दी, फिर मदद दी, और वो मदद देता ही चला गया, उसका सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक दिन एक गाड़ी ऐसी आकर रुकी जिसने उसे मदद नहीं दी, उसने उसको गाड़ी में बिठाया, उसने उसे जाकर काम सिखाया, उसने जाकर उसे रोजगार दिलवाया, उसे रोटी दिलवाई, उसे पैरों पे खड़ा किया, और उसके बाद से वो शख्स कभी भी लाल बत्ती पर मदद के लिए नहीं दिखा। उम्मीद आपसे भी थी कि 5 साल में मुफ्त 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 मुफ्त, उम्मीद थी कि आप ये मुफ्त मुफ्त 5 साल तक करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद आप ये नहीं करेंगे, आप उस शख्स को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। 200 बिजली यूनिट, 200 रुपया महीना, न्यूनतम मजदूरी 12 से 15 हजार रुपया है, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा वो आपसे, पता है उसे
कि दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं है, सरकारी नौकरी आपके पास नहीं है, लेकिन किसने आपको रोका? आपका बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ आ गया। किसने मना किया उस अतिरिक्त 30,000 करोड़ से आप अपनी जो 100 एकड़ जमीन आप मोदी सरकार को देने वाले थे, याद अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में बयान दिया था मोदी जी, वो 4 एकड़ जमीन छोड़िए 100 एकड़ जमीन ले लीजिए, थी आपके पास जमीन 100 एकड़। 30,000 करोड़ का बजट आपका 5 साल में बढ़ाया आपने, क्यों उस पैसे से उस जमीन पर उद्योग इंडस्ट्री नहीं लगी? क्यों दिल्ली के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया आपने? ये दिल्ली का नौजवान बेरोजगार, पूछिएगा अरविंद केजरीवाल से। आप तो अलग राजनीति करने आए थे, आपने क्या अलग किया हमारे लिए? कुछ अलग नहीं किया आपने। अगर अलका लांबा जनता की बात कर रही है, अलका लांबा अपने लिए नहीं लड़ रही है कि मुझे टिकट चाहिए, बोला था अरे मंत्री मत बनाओ 15 में, लोगों ने कहा अनुभव है, 20 साल का अनुभव है, छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति का, देश का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव, मंत्री बना दीजिए, नहीं बनाया, छू तकनीकी 5 साल निकाल दिए, डर खौफ था आपके ऊपर पास में, प्रवक्ता से 1,000 बना बनाया हटाया परवाह नहीं की मैंने, पार्टी के ग्रुप से निकाला परवाह नहीं की मैंने, विधानसभा की कमेटियों से निकाला परवाह नहीं की मैंने, पार्टी से आपने मीटिंगों में बुलाना मना कर दिया परवाह नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता के बीच में मैं थी और मेरी जनता मेरी साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ खड़ी रही, इसलिए मैंने परवाह नहीं की। और आज भी आप मेरी विधायकी छीनने के लिए विधानसभा स्पीकर को लिख रहे हैं कि अलका लांबा ने ट्विटर पर, ट्विटर राजनीति कर रहे हैं, जो सड़क का आदमी था, जो आंदोलन का आदमी था, वो आज ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं और स्पीकर को लिख रहे हैं कि अलका लांबा ने ट्विटर पे इस्तीफा दे दिया, स्वीकार करके विधायकी छीन लीजिए। परवाह नहीं है, छीन लीजिए, मात्र 5 महीने की बात है, 5 साल के लिए लौटूंगे, बिना समझौते किए हुए झुके हुए दिल्ली की जनता के लिए लड़ूंगे। सभी साथियों का धन्यवाद, 1,500 लोग सुन रहे हैं, 10 लाख लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, उसमें मेरे विरोधी भी हो सकते हैं, मेरे शुभचिंतक भी हो सकते हैं, गलियाने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के तौर पर वापसी की है। चांदनी चौक मेरी कर्म भूमि है, अपने कामों पे अपनी जनता के दम पर आना चाहती थी, इसलिए उम्मीद आज़ाद चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी थी क्योंकि कांग्रेस ने फैसला नहीं लिया था। लेकिन अब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आपका तहे दिल से आभार करती हूँ कि 2 दशकों में साथ कांग्रेस के साथ काम किया, 6 साल बाद घर वापसी हुई और आपने दोनों हाथ खोलकर, एक तरफ वो नेता है जो अरविंद केजरीवाल जी 8-9 महीनों से समय मांग रही थी, बात करिए, आंख में आंख डालकर बात करिए, समझौते मत करिए, झुकिए मत, व्यवस्था बदलने आए, समय नहीं दिया। दूसरी तरफ आपसे मैंने सोनिया जी 1 मिनट में समय मांगा, राहुल जी आपसे, आपने मुझे समय दिया, 2 घंटे सुना, बात की, चर्चा की, राहुल जी ने पूरे देश दिल्ली की राजनीति के ऊपर चिंता जताई आपने, धन्यवाद करती हूँ आपका सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। एक कांग्रेस की कार्यकर्ता के तौर पर अब देश भर में या दिल्ली में या कहीं पे भी आप मेरी जरूरत होगी, मात्र एक कार्यकर्ता के तौर पर कहूंगी, कोई पद का लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जनता ये चाहती है कि मैं चांदनी चौक से दोबारा चुनाव लड़ूं, अपने कामों पे लड़ूं और ये साबित करूं कि लोग ईमानदार को कामों के ऊपर वोट देते हैं दिल्ली, सिर्फ उस बात को साबित करने के लिए, ताकि वो लोग जो ईमानदार हैं, जो काम करते हैं, वो हताश और निराश ना हो, सिर्फ उसे साबित करने के लिए दोबारा 2020 का चांदनी चौक से विधानसभा लड़ने की इच्छा जो है, चुनाव लड़ने की इच्छा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी को बता चुकी हूँ। फैसला जो करेंगे मंजूर होगा, लेकिन लड़ूंगी अपने लिए नहीं, अपनी चांदनी चौक दिल्ली और देश की जनता के लिए एक विपक्ष की आवाज़ बनकर लड़ूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब इस देश की शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, किसान, मेरे भाइयों को जिनके साथ आज भी अन्याय हो रहा है, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, चाहे वो दिल्ली और केंद्र की तानाशाह गूंगी बहरी सरकारें हों जो सिर्फ दमन करना जानती हैं, जो सत्ता के करोड़ों रुपयों से विज्ञापनों से प्रचार करके गुमराह करना जानती हैं, जो जमीन की हकीकत से कोसों दूर हैं, उनसे वाकिफ कराने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए पहुँच रहे हों। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, खूब ताकत मिलती है आपसे, सोचती हूँ हर बार 5-10 मिनट तक बात करूंगी, लेकिन जब फेसबुक लाइव ख़त्म करती हूँ तो पता लगता है कि आधा आधा 1-1 घंटा हो गया आपसे बात करते हुए।
आप जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, चार हाथ के दो बज जाएं, क्योंकि मेरे लिए आपके आपके जो भी सुझाव हैं, चाहे मेरी कमियां आप बताएं, चाहे आपके सुझाव हों, चाहे आप मुझे सराहें, चाहे गाली भी पड़ रही हो, लोकतंत्र है, सब स्वीकार है। मुझे मालूम है बहुत बड़े हमलों के लिए तैयार रहना है मुझे, और मैं हर हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता, इस लोकतंत्र की आवाज़ को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र में जितना पक्ष मजबूत होना चाहिए, इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, तानाशाहों को दबाने के लिए सत्ता को, विपक्ष की आवाज़ भी एक मजबूत आवाज़ इस दिल्ली और देश की सख्त ज़रूरत है। मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ, आपकी आवाज़ बनकर यूं ही गूंजती रहूंगी, और उम्मीद करती हूँ 5 साल का कार्यकाल बेदाग, ईमानदार, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ एक एक रुपए का हिसाब देकर विधायक निधि का आपके बीच से जा रही हूँ, खुली चुनौती देकर जा रही हूँ। एक भी रुपए का भ्रष्टाचार साबित कोई कर दे, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। एक भी रुपए का भ्रष्टाचार, वहीं पर पूरा भ्रष्ट तंत्र, भाजपा के नेता जिनके ऊपर पूरे मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के, बलात्कारों के, कैसे कैसे मामले आपके सामने आ रहे हैं, जिक्र नहीं करूंगी, सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं इस समय पर, कि सच्चाई नहीं है। ट्विटर पे झूठी न्यूज, झूठा न्यूज चैनल, झूठी न्यूज वायरल कर दीजिए, झूठ को इतना वायरल करिए, इतना वायरल करिए कि लोगों को सच लगने लग जाए। ये काम भाजपा का सोशल मीडिया ने शुरू कर दिया है मेरे खिलाफ, कि झूठे चैनल, झूठी खबर, झूठी न्यूज चलाइए, और अपने सोशल मीडिया से लाखों की तादाद में उसे रीट्वीट और व्हाट्सएप पे वायरल कर दीजिए। लोग पूछना शुरू कर दे, अरे अलका लांबा जी ऐसा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के दौर में झूठ तेजी से दौड़ता है और सच धीमे कदमों से उस झूठ का पीछा करता रहता है, वही खरगोश और कछुए की चाल है, लेकिन अंत में जीत कछुए की होती है, सच्चाई की होगी, ईमानदारी और मेहनत की होगी, ये मुझे पक्का यकीन है। इसलिए जितने भी झूठी खबरें, न्यूज़ आप साबित कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ चांदी चौक की जनता की सेवा की है, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ, और कहीं नहीं भाग रही हूँ, यहीं रहूँगी, लड़ेंगे और दिल्ली देश को जिताएंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।